आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो किन्हीं भाई का कमेंट है, ड्यूटी को लेकर के। तो सबसे पहले तो 24 आवर की शिफ्ट होती है, 24 आवर मतलब एक दिन में 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, 8 घंटे मतलब तीन लोग 8-8 घंटे करते हैं, लेकिन हर जगह चार लोग होते हैं एसबीयू में। तो अब चारों लोग को मतलब मिल करके आपको देखना है वहाँ पे, जो भी जिनका भी ड्यूटी है अपने आप में मैनेज किया जाता है। संडे हो या कोई त्यौहार हो, सभी मैनेज करके होता है। जैसे संडे को तो ऐसा नहीं है कि आपको छुट्टी रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि 24 आवर सप्लाई देना है, तो संडे को छुट्टी नहीं रहती है और ना ही कोई त्यौहार को छुट्टी मिलती है। हाँ, हालांकि अगर कोई त्यौहार को आप ड्यूटी करते हैं तो उसका आपको ओवर टाइम के रूप में मिल सकता है, मिलता है वैसे भी, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप चार लोग हैं तो मान के चलिए बहुत सा त्यौहार है साल भर में, साल 12 महीना में बहुत तरह के त्यौहार हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग मतलब अपने घर ही चले जाते हैं। मान के चलिए कोई होली में करेगा तो कोई दशहरा में करेगा, इस तरह से मतलब मैनेज करके ड्यूटी होती है, छुट्टी नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ से 24 आवर सप्लाई तो मिलना ही है। वो होली चाहे दशहरा कोई भी त्यौहार हो, तो आप जानते ही हैं कि कोई भी त्यौहार में तो बिजली की सप्लाई और 24 आवर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ऐसे टाइम में हम लोग को छुट्टी नहीं रहती है, मैनेज करके हम लोग अपने घर जाते हैं। बाकी सब आप टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो वो लोग से भी आपको हेल्प मिलेगी, और हमसे भी जितना हो सकेगा वहाँ पे आप जुड़ जाइए। हर तरह के पोस्ट वहाँ पे होते रहते हैं, हर तरह के लोग हैं, आपको सभी तरह की जानकारी वहाँ पे मिलते रहेगी।